नमस्कार दोस्तों, बंसी विष्णु एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फिलहाल मैं हूँ धौलपुर स्टेशन पे और अभी मैं जा रहा हूँ चंबल के बीहड़ में। एक समय था जब चंबल के डाकुओं का बहुत बड़ा खौफ था, लेकिन अब पता नहीं क्या सिचुएशन है। हम चलेंगे चंबल के बीहड़ में, अभी हम वेट करते हैं। यहाँ से मुरैना जाने के लिए ट्रेन आने वाली है, आधे घंटे का रास्ता है और मुरैना से हम चंबल के बीहड़ की शुरुआत करेंगे। हम लोग यहाँ पे आए थे जयपुर से, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कीजिए और यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं आपको मुरैना। तो दोस्तों, जैसे ही हम धौलपुर से मुरैना की तरफ निकले, आपको चंबल के बीहड़ नज़र आने लग जाते हैं। आप देख सकते हैं रेत के टीले, इन्हीं ऐसे टीलों के बीच, जंगल के बीच में पहले रहते थे यहाँ चंबल के जो बागी थे वो। और ये है चंबल नदी, जिसके आसपास हजारों किलोमीटर लंबा चौड़ा जंगल है और इस चंबल नदी के अंदर रहते हैं बड़े बड़े घड़ियाल और यहीं पर रहते थे चंबल के बागी या डकैत। तो अभी हम चलते हैं यहाँ से आगे मुरैना। तो ये फिलहाल मैं पहुंच गया हूं मुरैना और मुरैना के बाहर ही एक बस मिलती है, ये वाली छोटी सी बस जो आपको ले जाएगी पान सिंह तोमर के गांव के आसपास। और वहां से मेरे को ई रिक्शा लेकर के पान सिंह तोमर के गांव जाना होगा, जो काफ़ी यहां से 45 किलोमीटर के आसपास है। तो लोग बता तो रहे हैं ऐसे वैसे चले जा सकते हो। देखो हमारी यात्रा कैसी है, ये छोटी सी गाँव में बस चलती है वैसे ही है। और यहाँ पर देखो तोमरों का जो ठिकाना है वो ऑलरेडी दिखने लग गया है। अभी चलेंगे इस बस में, है ना, तो आपको दिखाते हैं पान सिंह तोमर का गांव। शहर के बाहर ही एक छोटा सा बस स्टैंड है जहाँ से ये बस जाएगी। भाई फाइनली अभी हम जो है बस से उतर गए हैं। देखो केडी भाई हमारे साथ है झोला लेके। हम जा रहे हैं भिड़ोसा। क्यों जा रहे हैं? अरे ये तो उनको पता है, भिड़ोसा तो सबने सुना होगा। सुना होगा तो नहीं सुना हो तो बताएंगे आपको। पान सिंह तोमर पिक्चर तो देखी होगी और पान सिंह का नाम भी सुना होगा। पान सिंह एक बागी जो इसी गाँव में रहते थे। वो चलेंगे उधर, अभी यहाँ से 2 किलोमीटर चल के जाते हैं, है ना। बस स्टैंड से उधर गाँव तक कोई गाड़ी नहीं जाती है, तो वहाँ से मैं चल के जा रहा हूँ। ये पतली सी रोड है और पान सिंह के बारे में आपने सुना ही होगा कि वो एक थे बागी जो सरकार के खिलाफ में खड़े हो गए और फिर उसके बाद लंबे समय तक जंगलों में बीहड़ों में रहे। तो आखिर में उनका गांव और ये सब कैसा था, ये देखने वाली बात है। उनका घर कैसा था, उनके गाँव में कैसा जो है गाँव कैसा है, वो सब दिखाएँगे आपको इस वीडियो में। तो चलते हैं यहाँ से चलते हुए, यहाँ हमारा कोई पहचान वाला नहीं है, बस ऐसे ही जा रहे हैं। देखो क्या होता है, किससे मुलाकात होगी, क्या देखने को मिलता है। जैसा कि मैंने बस में लोगों से पूछा, उन्होंने बताया कि उनके परिवार वाले मेंबर है वो सब रहते हैं ग्वालियर। लेकिन हम जो एक तो पुश्तैनी गांव होता है ना, वहाँ जाएंगे जहाँ पर वो खुद रहते थे, ठीक है ना। तो चलते हैं। और ये देखो भाई, अब हम पहुँच गए यहाँ पे। दोनों और बाजरे की 4 रखी हुई है, इसके बीच में से रास्ता जा रहा है। सामने ही कहीं गांव है, खेत है, देखते हैं क्या होता है। आगे चलते चले थे इधर से मुरैना। आप और से आ जा। तो भाई अभी आपने देखा ये एक पहले दूसरा गांव आ गया था, हमें कंफ्यूजन था कि यही गांव है शायद। तो ये गांव का नाम है लेपा। तो अभी हम एक गांव से निकल रहे हैं और यहाँ पे काफ़ी सारे लोग मिल गए थे गाँव के, तो उनसे बातचीत हो रही थी और काफ़ी सारी हिस्ट्री उन्होंने बताई, लेकिन ऑफ कैमरा थी तो ज़्यादा नहीं आपको शेयर कर सकते हैं। तो अभी हम इस गांव को पार कर लिया, आगे जाएंगे, आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर आगे गांव है जिसका नाम है भिड़ोसा।
तो भेड़ोसा में जाते हैं, दिखाते हैं आपको। ये किसका है? ये उम्मीद बैठ जाएंगे। तो भाई फिलहाल हम पहुंच गए हैं ऑलरेडी गांव में, और गांव का नाम है पिडिसा भेड़ोसा। ठीक है, अभी आसपास इनका ही घर है, कहीं आसपास गली में जाना पड़ेगा। इस तरफ गली दिखाओ। ठीक है, तो अभी जाते हैं इस तरफ, दिखाएंगे आपको। फिलहाल तो अब पहुँचे ही हैं, उसके बाद आगे देखो क्या माहौल बनता है। आपसे मिल के अच्छा लगा, थैंक यू। तो वही फाइनली हम पहुंच गए हैं। मेरे पीछे जो घर देख रहे हैं वो पान सिंह जी तोमर का पुराना घर है, जहाँ पे वो रहते थे। तो ये यहाँ पे रहते हैं वो महाराज जी, उनसे जाके बात करते हैं और थोड़ा हिस्ट्री जानते हैं। वैसे कंफर्म हो गया कि यही घर है, और जैसा कि ये मोहित भाई ने बताया, तो चलते हैं आपको दिखाते हैं। चलो मैं तो वही परमिशन ले लिया मैंने, और अब चलते हैं भाई साहब से जो बैठे हैं, इनसे मुलाकात करते हैं। और ये हवेली है, देख ली भाई पुरानी। कैसे हैं जी आप? ठीक है, आपका नाम जी? गंगाराम। गंगाराम जी, ओके। तो आप अभी रहते हैं इधर? ये है पान सिंह तोमर जी का घर है। आओ हमें दिवाई दो उसे करने तुम रह गए आता ही चाचा लगाता ही। अच्छा, चाचा लगते हैं आप? ओके, नहीं भी चाचा लगाता है, हम भतीजे। अच्छा, आप भतीजे हैं, वो आपके चाचा जी थे। चलो ठीक है ठीक है ठीक है, बैठिए भाई। तो भाई ये घर है देखो, पुराना घर एकदम टूटा फूटा, पान सिंह तोमर जी का। देख लीजिए कैसा घर दिखता है ना, कलर करके रखा हुआ है। घर के अंदर हेडपंप है एक बात, वहाँ ग्वालियर में रहते हैं वो, जेठ लगते हैं हमारे। नाम ही नहीं ले रहे नहीं, वो तो मैं समझ रहा हूँ कि नाम तो कैसे ले रहे हैं आपके जेठ जी। बलवंता, हाँ वो मतलब ये है जगह उनकी, वो इस तरफ का, और ये जो है ये चाचा का। तो मतलब दोनों भाई भाई थे ना, ये चाचा पान सिंह चाचा माता, मतलब ये भैया भैया थे, मातादीन जी। हाँ वो भाई थे उनके, बड़े थे, और ये चाचा छोटे थे। और इनका लड़का जो बड़े वाले, उनका ये ग्वालियर में जो नाम ले रहे हो वो। अच्छा, ये घर है, ये है ये। अच्छा, ये है जो अभी ग्वालियर में रहते हैं। और ये और इतना इधर का ये फोर, ये मतलब उनकी थी, ये उनका छोटे वाले उनका नहीं, चाचा और जिनके पिताजी मतलब चचेरे भाई भाई थे। अच्छा, वो आप यहाँ रह गए तो इनको ये घर मिल गया। यहाँ वो सब वो जो बबीना में रहती है ना, उनकी माँ जो छोटे चाचा के घर से के हाँ। वो मतलब बबीना में रहती, वो यहीं पर रहती थी। पहले अभी अच्छा। तक आती रही है, अभी 4-5 साल से नहीं आई, ये बुढ़ी हो गई। हाँ। तो मेरे पास आती थी यहाँ वैसे मिलने आते हाँ। तो अब तो कोई रंजिश नहीं, अभी आना जाना सब बढ़िया है, आना जाना सब कुछ है, लेकिन उनसे थोड़ी है आना जाना। अच्छा, अभी वो उतना वो तो निकल गए, तो निकल गए, वो दूर रहते, वो भी वो रहते हैं, वो ग्वालियर रहते हैं, और जिनसे झगड़ा हुआ कि ऐसे सामने घर बने हुए। अच्छा, अब हम तो सबसे मिली के चल रहे हैं। नहीं, आपको तो आप तो क्या ही कर सकते हैं, मिली के चल रहे हैं, और जब यहाँ पर रहेंगे तो मिलकर नहीं चलेंगे, कैसे रहेंगे? नहीं नहीं, वो बात सही है, मिलके ही रहना चाहिए। क्या करें, जो मतलब जिसके जो अंदर है वो था। इधर इधर क्या था पहले, ये घर था क्या? हाँ, यहाँ घर थे, ये गिर गए ना। अच्छा, पहले घर यहाँ थे, पहले घर ये थे इधर। अब ये मतलब दोनों भाइयों का मतलब आधा आधा था, आधा आधा था। तो उन्होंने छोटे वालों ने बनवा लिया, जब रिटायर होके वहाँ से आए तो बनवा लिया, जिनका पड़ो रहो तो कच्चो रहो। अच्छा, वो गिर गया। अच्छा, ये जगह है वो उनकी थी, जो उनके भाई की थी। अब इतनी ये पक्की थी, वो बनी रही उनकी। और ये क्या बना रखा है? ये तो दूसरों ने बना लिया जगह, तो हमारी ये झोपड़े जैसा, इसमें क्या है? इसमें भूसा भर रखा है। आपने भरा है? हमने नहीं भरा, वो दूसरे ने कह दिया कि जगह पड़ी थोड़ा बना। अच्छा, तो अभी इसमें भरा हुआ है भूसा? जगह पड़ी फालतू, हमारे भी कोई नहीं है। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। ये है इनकी मशीन चारा काटने की, और ये पुराने घर देखो, ये भी पुराने घर गिर चुके, वही कच्चे घर है जैसे मिट्टी के बने, पहले हमारे भी ऐसे ही होते थे। ये भाई साहब है इधर के ही हैं, आपका नाम?
अखिल तोमर। अखिल भाई तो आप बताइए कि फिल्म कैसे शूट हुई, किस एंगल से किया था? यहाँ का एक सीन है, यहाँ से निकल के जाती है। अच्छा, कौन निकलते हैं? पान सिंह। हाँ, यहाँ से और उधर ये पतला रास्ता है ना। हाँ, ये जो पतला रास्ता है, यहाँ से मैं निकलने वाला बंदूक लेके निकलते हैं रास्ता है। अच्छा, इधर से निकलते हैं, ऐसा दिखाया है सीन? ऐसा दिखाया। एक सीन नहीं लिया इधर? अब सीन का पता नहीं, फिल्म देखी है। हाँ, समझ गया। ये पतला रास्ता जो दिख रहा है आपको, यहाँ से शॉर्ट क्लिप फोटो से पहुंचा दिल्ली मेट्रो में। दिल्ली मेट्रो में पहुंचा दी। ये भैंस के लिए बना रखा है, ठंडी के लिए। सही है, सही है। आपका नाम, शुभ नाम? देवन सिंह जी। आप इनके पान सिंह जी के क्या लगते हैं? नाती पंती है। हाँ, वाले है उनके रिलेशन में ही। ओके, आपके वो ऐसे रिश्ते में क्या लगते थे दादाजी? परिवार ही तो दादा लगते हैं। क्या लगते थे? परिवार ही तो यंत्र बनो। आप क्या करते, खेती बाड़ी? ओके, दूध में डेयरी पे देते हो या नहीं? तो भाई ये है कहानी यहाँ के पान सिंह तोमर जी के गाँव की। गांव में आपको कच्चे मकान देख कर के ऐसा लगता है, ये सब जगह मकान ऐसे गिर, हर जगह कच्चे मकान ही हैं है? आसपास या फिर यहाँ इसी जगह पे ऐसे गिर रहे हैं मकान? अब तो पक्के हुए सब। पहले पूरा गांव ऐसा ही था, कच्चा पहले। हाँ, मेरे घर भी ऐसे ही थे पहले। तो यहाँ पे है ना, आसपास गांव के घर है वो कच्चे बस्तियाँ और छोटे छोटे घर बने हुए, झोंपड़े बने हुए, मशीनें बनी हुई हैं कटिंग वाली, ये सब चारा वारा। और पुराने घर के जो इतिहास है वो आपको वहाँ सामने दिख जाएंगे, दीवारें पे दिख रही है ये वाली। और आसपास ये देखो छोटे छोटे घर हैं। हाँ, वो मैं बोल रहा हूँ ना, ये जो है एक पुरानी दीवार बची हुई है, इसमें ईंटें लगी देखो, और इसके बाद कुछ नहीं। और भाई साहब देखो, यही वो घर हैं जहाँ पे पान सिंह जी तोमर छोटे थे या जब रहते थे। इसके आसपास और भी घर थे जो गिर गए हैं अभी। असल में तो घर वो था वो नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि ये जो खंडर पड़े हैं ये सब घर गिर गए ऑलरेडी। लेकिन ये वाला जो है अभी एक घर बचा हुआ है जो उनके चाचा का था शायद। वो घर कैसा आपको अंदर जाके दिखाते हैं। इस घर के अंदर जाने की परमिशन मिली गई है तो मैं आपको अंदर जाके दिखाता हूँ। बाहर तो आपको दिख रहा है ये मिट्टी का एक छोटा सा आंगन बना रखा है, उधर से एंट्री है वहाँ से। तो वहाँ से जैसे ही आते हैं, ये क्या इधर नाली है क्या? भाई नाली पानी निकलने अंदर से आता है। अच्छा, ये जो घर है देखो ऐसा कुछ है। और ये जो बड़े वाले छोटे वाले चाचा है ना, उनका जो लड़का खत्म हो गया, उनकी बहू गवारिया रहती है, वो अपना मकान बनवाए अलग रहती है। और छोटे वाले जो उनके देवर हैं वो बबीना रहते हैं। अच्छा, वो हो जाते। और अंकल जी ये बता रहे थे कि जब ये लड़ाई वगैरह चल रही थी तब आपकी शादी हुई थी? शादी है गई आपकी? हाँ, 3-4 साल है गई शादी। 3-4 साल है गई शादी को भाई हमारी। जब ही हमारी शादी भाई चार साल ही हुए थे यूं। जब शादी हुई 4 साल बीते उसके बाद वाला लड़का हुआ है जब ये चाचा खत्म हुए। अच्छा, 1981 जब ये इनका एनकाउंटर हुआ उससे 4 साल पहले आपकी शादी। तो आपको तो इनको तो सब देखा ही है। नौकरी छोड़ के आगे हमारी सामने फिर यहाँ खेत करता है, बढ़िया मेहनत करी मैंने। ये बनाने के एक साल उन्होंने बनाया और एक साल बाद में उनका झगड़ा हुआ। हाँ, फिर वो चले गए। ओहो, ये घर इन्होंने बनाया। वालों ने वहाँ पर कुछ उनकी सुनाई नहीं हुई, वहाँ बोले कि हमारे लड़के को ऐसे ऐसे मारे पीटे, ये हुआ। कोई सुनाई नहीं हुई। फिर ये कलर वलर और ये प्लास्टर बाद में कराया है मकान, बिल्डिंग उन्होंने चिन के तैयार किया। कुछ दिन पड़ा रहे ऐसा। फिर हमने कही सभी बुढ़िया ने, हमारी सास ने, कि नहीं है तो पड़ा है ही। तो आप किधर रहते थे जब उस समय? आप किधर रहते थे जब? हम और नीचे रहते, इधर ही रहते थे। फिर आप इधर रहने आए? अच्छा, ये भी अलग होते गए तो जहाँ पहले सब यही रहते, फिर जब भाई में बंटवारा हुआ तो हम उधर रहने लगे। ठीक बात है। और जब वो चाचा निकल गए तो फिर हम उसी में आ गए। नहीं नहीं, कोई भाई उधर रह गए कुछ ऐसे। जो परिवार बढ़ता जाएगा तो वो अलग अलग होते ही है, हमारे भी होते हैं, सबके होते हैं। चलो भाई देखो, ये है रसोई छोटी सी, ये चार दीवारी है और पूरा अभी भी देखो। पहले यही रहते थे, फिर वहाँ मतलब रहने लगे। कुछ साधन नहीं, अब तो ये है कि अपनी अपनी गाड़ी लेके जाते हैं। लेकिन हम लोग, हमारे बच्चे यहाँ पर है नहीं, तो हमको तो
परेशानी है, सुबह में मिलता है मांस मरी तो नहीं। हम भी वहाँ से 4 किलोमीटर लगभग चल के आए, बिल्कुल आए होंगे तो अब यही समझ लो कि ये लोग की आंखें कैसे। हमने क्या सोचा कि वहाँ पे बहुत बड़ा होगा, ये नहीं लग रहा कि कहाँ से कैसे जाएं, जिसके बच्चे यहाँ पर है नहीं, रोज जाएगा पीपल ही तो छोड़ गया है, कौन हमें पोर्सा तक छोड़ गया है। उन्होंने देखा खुश हो गए, बच्चे सब खुश हो गए। फिल्म देखी तो आपको कैसे लग रहा है कि फिल्म मेरे चाचा की फिल्म, मुझे तो खुशी होगी। चलो ठीक है, अभी आप भी आओगे देखेंगे, ऐसे लोग देखेंगे कि हाँ आज कौन रहते हैं लोग। तो भाई ये जो आप देख रहे हैं ये घर था, इसके पीछे की तरफ, ये आगे की तरफ आपको एक एंट्रेंस जैसा लग रहा है, ये ऐसे ही है, इसके अंदर थोड़ा बहुत सामान वामान रखते हैं। इसके पीछे की तरफ मकान बने और इसके अंदर 2 भाइयों के घर थे जो अब अलग अलग हो गए। एक भाई इधर रहते हैं, वो भी अब अलग है, भतीजे रहते हैं, रियल भाई नहीं। अब आपको चलते हैं, इधर का एक कुआ है वो दिखा देते हैं और उसके बाद हम चलेंगे आगे। इन्होंने इसको थोड़ा उठा लिया ऊपर और ये रेत का टीला जैसा, इसके ऊपर ही इनका घर है। ऊपर ये भाई कुआ है जहाँ पे सबको याद है। अच्छा फरारी में ब्याह हो, शादी सबको याद, शादी हो गई इसलिए थोड़ा याद है, हमारी शादी भी थी। वो भाई साहब पीछे भी ऐसे ही बोल रहे थे, हाँ वो हमारी शादी भी थी। ओके, आपने सब घटनाक्रम देखा होगा कभी, ये सब झगड़े हाँ वो तो बात है, देख लेते अब यार राम राम जी, क्या हाल है पहलवानों का अखाड़ा? 80 किलो तक की 75 का ये उठाते हो आप? और ये क्या पत्थर से बना है? और ये सब आप ही उठा रहे आप लोगों के लिए? ये पहलवान है, ये नोता खाने का, सबसे छोटे यहाँ से शुरू करते हैं। अच्छा सबसे छोटा ये, सबसे यहाँ से शुरू करते हैं। कितना साल का होगा तो चालू कर देगा जी? क्या साल को जी? देख लो 1500 जी, राजे ने चालू कर दो जी, 13 ओके। और ये किस लिए कर रहा है? किस आर्मी में जाने के लिए? नहीं आर्मी में जाने के लिए, वो अपने पहलवानी करने के लिए। देंगे लाल चोर तुम्हारी प्रोफेसर होगा, तुम शांत हो जाओ। तो ये क्या करते हैं? अपने आप को सबसे शक्तिशाली सिद्ध करने के लिए। ओके, एक एक कुंटल यहाँ से अभ्यास शुरू करेंगे। ये 80 किलो का, ये 75 का है, अभी एक कुंटल का ये तो सिर्फ उठाए रहा है मोनन ने। अच्छा। ये तो छोटी टीम है, छोटे नाले वाली। अब जी बड़े नाले वाली बड़ी टीम उठेगा। ओके, एक एक उठा के बताओ कैसे उठा गए? अच्छा डंडे का प्रयोग करेंगे। उसका हाथ देखो, दिखाओ हाथ, इधर से देखो, इसका हाथ यहाँ से फुला है। एक हाथ से उठा दे, दोनों से एक से बूट राजा वाला उठाया, वो उठाता है, उठा देखो इससे बड़ा वो है। ये है भाई चंबल के पहलवान तोमर साहब। अच्छा इसको इसलिए सपोर्ट में प्रयोग करते हैं डंडे को, इसके बराबर उठाना है। ऐसे खड़ा वो उठ गया। और भाई साहब ये कितने किलो का है? 45 किलो का एक हाथ से उठाया यार। अरे यार ये तो कमाल है।